राम सेतु, बार बार राम जी का जिक्र किया जाता है। सुबह उठते हैं, हे जय सिया राम, हे राम, और हमारे राम राम जी जो अपमानित हो, आओ बैच करो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथि कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, भरमि पावन सुत कीरति नीकि। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दश, सौ शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस, मुनि जन धन संतन को सरस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत संभुववानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, काल भुसुंड गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी, कलिमलारानी सरस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति युपति की, दलान रोग भव मूरियमी की, सात मात सब विधे तुलसी की। आरती श्री रामायण जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय करुणारी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व शान्ति, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नाथ कृतार्थ भयो मैं तव दर्शन खगरा, आयस देव सुकरो भय प्रभु आयव के काज, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जय के अस्तु सादर निज मुख की नमहे, सुनौ तात देह कारण आयव सो सब भयव दर्श तव पायव, देखि परम पावन तव आसम गयव मोह संशय नाना प्र, अब श्री राम कथा कि पावन सदा सुखद दुख पुंजन सा, सादर तात सुनावो मोहि बार बार बिनवो प्रभु, सुनत गरुद के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुखुनीता, प्रयोता सुमन परम उचा, लाग गए रघुपति गुंदा, प्रथम यन्यन लाग भवानी, राम चरित सर कहे सुबकानी, पुरी नारद कर्मो अपारा, कहे सुबौरी रावन अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब सुचरित कहे सु मन लाई, भार चरित कहे विविध विधि, मन मह परम उचा, ऋषि आगमन कहे सिपुनि, श्री रघुबीर विवार, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप बचन राज बस भंगा, पूर्वासीन कर बिरह दुसाधा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, नितिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरि उतरि निवास प्रयाग, वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट मेरे तो आधार, सीता राम के चरण, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रभु अगस्त सत्संग कई दंडक मन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तई गाए, पुनि प्रभु पंच बटे कृत बासा, बंदे सकल मुनि ने की त्रासा, पुनि नसीमत उपदेश। कदम कदम बढ़ाए जा,
कदम कदम मिलाए जा, जो जिंदगी है देश की ये देश पे लुटाए जा। आदरणीय तपस्वी, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए तप करने वाले बापू राम बालकदास जी, अश्विन बाई जी, करनेश बाई जी, हमारे प्रसिद्ध राम कथा जी के प्रसिद्ध हमारे संत, और यहां पे 71 मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों, मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूं, अश्विन भाई का शुक्रिया अदा करूं, गुरु जी का शुक्रिया अदा करूं। जाना मैंने कल दिल्ली में था बॉम्बे, गुरु जी का आशीर्वाद, मोबाइल पे इन्होंने आशीर्वाद दिया, हुक्म किया कि आना है, तो मैं इनका आशीर्वाद लेने यहां आ गया। मैं आपका सबका बड़ा आभारी हूं। मैं आपको, क्योंकि राम कथा चल रही है और इधर हनुमान जी बजरंग बली जी का मंदिर है, तो मैं जिंदगी की एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं कि राम जी की सच्ची कथा में हनुमान जी के सच्चे जो उनके चरणों में लगते हैं, राम जी हनुमान जी हमेशा उनके दिल में साथ साथ होते हैं। ये उस कहानी में आपको बताना चाहता हूं, मैंने नजदीक से देखा है। आज से 18 साल पहले बालाजी मेहंदीपुर का एक मंदिर है राजस्थान में, मैं किसी दोस्त के साथ बालाजी मेहंदीपुर मत्था टेकने गया था। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, तेरी आंखों में आंसू। मैं कहा, अभी मैं कुछ मांग रहा हूं, मुझे मांगने दो, मैं बाद में बताऊंगा। आरती हुई, अमृत कहां से आता है, नीचे पानी नहीं है, अमृत कहां से आता, अमृत छिनका। और बाहर जब गाड़ी में बैठा, मैंने कहा रेडियो लगाओ, रेडियो लगा, उसमें जो मैंने हनुमान जी से मांगा इस राष्ट्र के लिए, जय श्री राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, अचानक विचार आया। जब रेडियो लगा तो मेरी हनुमान जी ने सुन ली, मुझे विश्वास हो गया। मैं कहा जितनी देर तक इस बम्बों से बचा हुआ बोनस का हिस्सा इस जिंदगी का है, मुझे चलने के लायक रखना, हर महीने शनिवार या मंगलवार आपकी हाजिरी भरूंगा। उसमें मेरा मकसद नहीं था, मकसद मेरे राम का था, मकसद मेरे हनुमान का था, मकसद मेरा भारत माता का था, मकसद इस देश की करोड़ों लोगों की आस्था की संस्कृति का था। जब कुछ देश के ऐसे लोगों ने कुछ समय बाद ये कहा, राम सेतु तो है ही नहीं, राम सेतु नहीं तो हनुमान जी नहीं, हनुमान जी नहीं तो राम जी नहीं। मैं पाठ करता करता, हनुमान चालीसा करता करता, उसी मंदिर में जहां अखंड जोत चल रही थी, मैं कहा हे राम जी, हे हनुमान जी, आपके साथ राजनीति नहीं करूंगा। ये कहते हैं राम सेतु नहीं, राम सेतु टूट जाएगा, राम सेतु टूटने नहीं दूंगा, ये बम्बो गोलियों का बार बार बचा हुआ हिस्सा राम जी आपके चरणों में राम सेतु दे दूंगा, पर राम सेतु को टूटने नहीं दूंगा। मेरी दोस्ती मौत से है। मैंने कहा है राम जी, आपके चरणों में मौत आ जाए, इससे बड़ी क्या होगी, बम्बों से भी जाना है, आपके चरणों में आ जाए। पर उसकी पब्लिसिटी नहीं की, कुछ दोस्तों को पता चला, किसी ने कहा हम भी अपना जीवन देंगे। मैं कहा नहीं, पहले मेरा उसके बाद आपका। क्या हुआ, वर्ष बीते,
मेरे उसी दोस्त का फोन आया, कहता है शाम को जी टीवी लगाओ, प्रोग्राम आ रहा है, मिल गए राम। मैंने 7 बजे प्रोग्राम लगाया, प्रोग्राम का नाम था मिल गए राम। मैं कहा मौत फिर दूर चली गई, मौत फिर दूर चली गई। पर आप जैसे एक बहादुर तपस्वियों ने, मेरी बहनों ने, मेरी माओं ने, ऐसे तपस्वी संतों ने एक हमें हिंदुस्तान के अंदर योद्धा दिया जिसका नाम नरेंद्र मोदी, और उसके साथ एक मंत्री जो आज पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का निर्माण उसको उसका मंत्री बना दिया। पहला फैसला किया राम सेतु नहीं टूटेगा, बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। ये गुजरात की धरती आपके आशीर्वाद, बहनों के, माओ के, संतों के, ऐसा योद्धा दिया कि राम सेतु टूटने से बच गया, नहीं तो हमारे देश के वो धर्म के खिलाफ चलने वाले लोग जिनको राम जी के इतिहास का नहीं पता, जिनको भोले शंकर के इतिहास का नहीं पता, जिनको कृष्ण जी महाराज के इतिहास का नहीं पता, जिनको हनुमान जी के इतिहास का नहीं पता, जिनको इस देश की संस्कृति का नहीं पता, और हमारे देश के इतिहास को तोड़ने पे लग गए। पर अब जब वोट लेनी होती है फिर मंदिरों में चले जाते हैं। पर राम जी जब मुसीबत में थे उस वक्त ये लोग राम सेतु को तोड़ने की साजिश करते रहे। बड़े बड़े चैनलों में कई बार बहस होती है, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। और जो राष्ट्र के लिए आपके भेजे हुए योद्धे, अगर उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्या, इमरान खान और नवाज शरीफ की करूंगा क्या? राम सेतु, बार बार राम जी का जिक्र किया जाता है, सुबह उठते हैं हे जय सिया राम, हे राम। और हमारे राम राम जी जो अपमानित हो, आओ बैच करो, पहले की सरकारें, पहले की पॉलिटिकल पार्टियां अगर चाहती तो हजारों जवानों की जो शहादतें हुई, हजारों बहनों के सुहाग गुजरे, हजारों बच्चे यतीम हुए। इसलिए आज अगर हुआ है तो पहले के वो नेता गुनाहगार थे, आने वाली जनरेशन, आने वाला इतिहास उनसे सवाल पूछेगा। अगर अब नरेंद्र मोदी ने किया है, अगर इस गुजरात की योद्धों की धरती ने किया है, अगर आपके आशीर्वाद से हुआ है, तो आप चाहते तो बहनों के सुहाग ना उजड़ते, कश्मीरी पंडितों पे गोलियां ना चलती। आप गुनाहगार हो, आप कातिल हो, आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, आपको वो शहीदों की शहादत, उनकी रूह आपको माफ नहीं करेगी। आपने राजनीति कही है, कैसे आपका हम एहसान भूले, कैसे संतों महात्माओं का एहसान भूले। हमारे भारत को इतना आप लोगों ने सुरक्षित कर दिया, आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर जो संस्कार है, आपकी जो एक सोच है, वो अगर सोच संस्कार पूरे हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक हर व्यक्ति में पहुंच जाए तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। પ્રસન્ન પણ ટૂંકાવી નાખ્યું છે, હવે આપણે કશો ને તમે એટલે આપણે ઘણી વખત યાદ કરતા